मोबाइल व्यापारियों का एकमात्र संगठन ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन की शुक्रवार को गोरखपुर, देवरिया और संत कबीर नगर जिले की कार्यकारिणी का वर्चुअल शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें दिनेश मोदी को गोरखपुर जिले का अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई एवं संजय जुमनानी सेक्रेटरी तथा मनोज अग्रवाल एवं संदीप जायसवाल को उपाध्यक्ष पद एवं मुख्य सदस्य के रूप में शम्मी जुमनानी ने शपथ ली। इस संबंध में गोरखपुर जिले के अध्यक्ष दिनेश मोदी ने बताया कि मोबाइल व्यापारियों के हित के लिए फाइट फॉर राइट अभियान पूरे भारत में शुरू किया गया है, जिसमें मोबाइल के दुकानदारों को जोड़ा जा रहा है। कोविड काल में 100 से अधिक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से दुकानदारों को जागरूक किया गया है और आने वाली स्थिति के लिए तैयार होने हेतु जानकारी दी गई। संपूर्ण भारत के 739 जिलों की कार्यकारिणी का गठन का लक्ष्य रखा गया है, जो बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में से 69 का शपथ ग्रहण हो चुका है। उन्होंने बताया कि आज की वर्चुअल मीटिंग का संचालन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नीरज जौहर, सचिव अमित अग्रवाल, उपाध्यक्ष रतन मेघानी एवं धर्मेंद्र गुप्ता ने किया। इस दौरान मीटिंग में वर्चुअल रूप से सैकड़ों की संख्या में दुकानदार मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के गोरखपुर जिले के अध्यक्ष दिनेश मोदी ने कहा। दिनेश कुमार मोदी, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट गोरखपुर जोन एवं ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन महानगर गोरखपुर अध्यक्ष के रूप में हम देख रेख कर रहे हैं। हम लोगों के जो संगठन है मोबाइल व्यापारियों का, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन, जिसको हम एमरा के नाम से भी कहते हैं, पूरे भारत में सभी जिलों में इसका गठन किया जा रहा है और गोरखपुर में भी इसका शपथ ग्रहण आज वर्चुअल माध्यम से हुआ है। और हमें दिनेश कुमार मोदी, मोदी मोबाइल वर्ल्ड बलदेव प्लाजा को गोरखपुर महानगर का अध्यक्ष शपथ ग्रहण के द्वारा निर्वाचित किया गया है। इसके साथ ही सचिव के रूप में संजय जुमनानी और उपाध्यक्ष के रूप में मनोज अग्रवाल एवं संदीप जायसवाल जी और मुख्य सदस्य के रूप में शम्मी जुमनानी हैं। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है, जिस तरह ई कॉमर्स कंपनियां विगत 3 वर्षों से मोबाइल व्यापार को पूरी तरह प्रभावित कर रही हैं और धीरे धीरे इस व्यापार को ख़त्म करने पे वो आमादा हैं विदेशी फंडिंग से, हम सभी संगठन के माध्यम से सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ई कॉमर्स की गलत नीतियों पर लगाम लगाई जाए, नहीं तो भारत के लाखों दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और इस उपलक्ष्य में हमारे देश के जो नेतृत्व मेन करता हैं, वो ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कैलाश जी और विभूति प्रसाद जी ट्विटर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री एवं सभी जो भी सम्मानित मंत्रीगण हैं, उनको बार बार ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दे रहे हैं कि मोबाइल व्यापार पूरी तरह धराशायी होने के कगार पे आ गया है और ऑनलाइन विदेशी कंपनियां भारत के राजस्व को विदेशों में ले जा रही हैं। इसको देखते हुए ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में से 68 जिलों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न करा लिया है और हम अपनी पूरी ताकत से ऑनलाइन के खिलाफ, उसकी गलत नीति के खिलाफ बिगुल बजा चुके हैं। अब ज़रूरत है हमें आप सभी के सपोर्ट का, जिससे कि व्यापार में आ रही दिक्कतों को हम दूर कर सकें। जय हिंद, जय एमरा।